तो पेरिस टावर के सामने आके पापा इधर पान खा रहे हैं। मेरे लिए मीठा पान बोल दो फिर। मीठा 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 कोलकाता मीठा पान। हाँ हाँ 50 रुपए का पान है। सही है। हम सादा पान। लेकिन ये सही है यार, मतलब पेरिस जाकर भी पान खाएंगे ना। सामने पान मिल रहा है, आईफिल टावर के सामने पान मिल रहा है। और कैसे ये पान दिखा के यहाँ पे ऐसे करके खड़ा रहना, तुम ऐसे करके खड़ा रह के। एक बार और कर दो भैया, थोड़ा सा मेहरबानी हो जाएगा। ये एथू है सर, रोज वाटर है। अच्छा रोज वाटर है, मंगला पानी है। ये जो भैया का दुकान है यहाँ पे खाली, आपको देख लो सिर्फ पान बनाने का ही आइटम सब दिख रहा है। और अभी हम लोग का ध्यान पड़ा इधर, सदा सुहागन पान 2100 रुपए का, महाराजा कोहिनूर पान 1100 रुपए का, कपल पान 700 रुपए का। और ये भी दिया हुआ है कि ये जो तीनों आइटम अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो, ऑर्डर क्या मतलब बोलते हो बनाने के लिए, तो कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा, ये लाना पड़ता है ना कहीं से। और ये मेरा मीठा पान रेडी हो गया भाई साहब, इससे तो पेट भर जाएगा मेरा। अच्छा खासा है, तो ऊपर से रोज वाटर। चलो पापा इधर पेरिस चलते हैं खाने के लिए। चलो पेरिस चलते हैं। तो हम लोग पान लेकर आ गए हैं। ये कौन सा पान है पापा इधर? सादा पान है। सादा पान मतलब? सादा पान मतलब वो तो ये पान का साइज देख लो भाई साहब, ये मेरे मुंह में कैसे जाएगा। पान वगैरह बस थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद से मतलब मुंह में चबाते रहो खत्म ही नहीं होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाईपास ढाबा पे, यहाँ का चाय पीने और साथ ही ये समोसा खाने। समोसा तो लास्ट 2 टाइम से हम लोग को अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी ले लिया। पाव भाजी भी बोला हुआ है, लेकिन यहाँ का जो चाय होता है ना वो एक नंबर होता है। बारिश भी हो रहा है, पूरा बारिश का पानी समोसा में जा रहा है, इसलिए मैं बोलूँ चटनी इतना ज्यादा क्यों लग रहा है। खैर कोई नहीं, तो चाय भी ज्यादा हो जाएगा, गिरने लगेगा। बहुत गंद मार रहा है, गंद मार रहा है कि अच्छा है? अच्छा गंद मार रहा है। चलो अभी चाय पीते हैं। फिलहाल पाव भाजी रेडी हो रहा है, जब वो हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। एकदम कम चीनी चाय है भाई, कुछ भी बोलो इनका चाय पीकर मजा आ गया। आज का चाय कैसा था? मस्त था, मतलब इतना अच्छा चाय हम लोग को कभी नहीं मिला यहाँ पे। 70 रुपीज का ये पाव भाजी है, सैंडविच भी 70 रुपए का ही था, लेकिन आज पाव भाजी खाने का मन। बताते हैं खाकर कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल यहाँ से जल्दी निकलते हैं, नहीं तो बारिश से पूरा भीग जाएगा। देखो ग्रेवी भी कम था लेकिन अभी ज्यादा लग रहा है, इतना पानी चला गया अंदर। भैया जैसे तैसे बस्ते बचाते हम लोग वहाँ से आ गए अभी इस प्लेनेट। भाई बारिश का क्या ही बताएं, जनवरी के टाइम में ऐसा रेनी सीजन वाला बारिश हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मिरर मार्केट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि मेट्रो गली के उधर मिलता है, और एक जगह कौन सा बता रहे थे पापा इधर? स्ट्रीट मोड़ पे। तो अभी हम लोग का प्लान है वहीं जाने का। बारिश हो रहा है यार, क्या जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जैसे तैसे करके टाइम निकालो, जब टाइम मिलता है तो बारिश। मार्केट वगैरह करना ना बारिश में मतलब जमता नहीं है यार। चारों ओर देख लो ऐसा पूरा भीगा भीगा रहा है। ज्यादा डेंजरस है बारिश होने से ना एकदम स्लिपरी हो जाता है वो। आप भी कभी ना कभी स्लिप किए ही होंगे जेब्रा क्रॉसिंग पे। एक ये हो गया, और कोलकाता के सड़कों में एक और चीज से बच के रहना, ट्राम लाइन। वो तो अलग ही डेंजर है। पार्क सर्कस मोड़ में तुमको देखे ना तुम, एक एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता वीडियो में। कभी सेफ था, लड़का बच गया था, लेकिन फिर भी बाइक उसका बुरे तरीके से गिरा हुआ था। तो ये चीज है, थोड़ा सेफ्टी बल गिरा, मुंह के बल गिरा। हाँ यही है, लड़का थोड़ा प्रो था, बच गया। ये जो सामने देख रहे हो ये मेट्रो सिनेमा, और आपको एक वो दिख रहा है ना होटल कृष्णा विलास। एक टाइम में मैं यहाँ पे हैदराबादी पुलाव खाने जाता था, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत दिन हो गया छूट गया खाना। ये प्लेनेट मेट्रो का गेट नंबर 1 है, हमारे एरिया का बस भी यहीं से मिलता था। तुम यहाँ से जूता खरीदे हो? जूता हाँ खरीदे हैं, 250 रुपए। इसी गली में तो हम लोग को जाना है, जो मैं कैमरा लेने आया था ना वो इसी गली में, मेट्रो गली इसी को बोलते हैं। ये मेट्रो गली है, पहले ये सब जूता देख के हम लोग कितना खुश हो जाते थे। सही बात है, ये जो जूता सब रखा हुआ है ना, हम लोग पहले एक्साइटेड हो जाते थे, भाई वो जूता देखा। ये प्राइस पूछना। ये राउंड वाला हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, तो कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ तो? आप क्या बोलते हैं पापा इधर? हम तो बोलेंगे जो जैसे तुम्हारा इसमें मराठा में और तुम्हारा हम लोग RTC रॉयल बंगाल में जैसा वैसा टाइप का कुछ लगा। वैसे कैसा था हमें याद नहीं आ रहा है, राउंड में था कि स्क्वायर? वीडियो देखना पड़ेगा। ये मार्केट का नाम क्या है पापा इधर?
वापस हम लोग भवानीपुर आ गए हैं चाय पीने के लिए, लेकिन ये दूसरा जगह है। यह है लिट्टी किंग के पास। यहाँ का लिट्टी हमें बहुत पसंद है, पेट भरा हुआ है, नहीं तो लिट्टी खा के ही जाते हैं। हाँ जी, हमारा चाय वगैरह पीना हो गया है। और बाय द वे हम लोग मार्केट भी गए थे प्लग वगैरह देखने के लिए, स्विच वगैरह देखने के लिए। प्लग हम लोगों ने डिसाइड किया है किसका, क्रैप ट्री। तो अभी 2-3 ब्रांड फाइनल हुआ है, और सबसे अच्छा बात ये हुआ कि सब्सक्राइबर भी मिल गया वहाँ पे। तो सब्सक्राइबर मिल गया, इसका ये मतलब है रेट मेरे को वाजिब मिलेगा। और जिस तरीके से भाई ने समझाया, अच्छे से आइडिया लग गया, मैं आप ही से लूंगा, आप रेट अच्छा लगाइएगा। बहुत कुछ लेना है, वो आप ही आइडिया देंगे क्या क्या लेना है। और बाय द वे यहाँ पे हम लोग चाय पीने आए थे लिट्टी किंग के पास। मेरे को तो लिट्टी खाने का मन नहीं है, लेकिन मम्मी को फोन किया मैं, मम्मी से पूछा मम्मी लिट्टी खाना है, बोले हाँ हाँ लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है लेके आ जाओ। तो ये मम्मी के लिए मैंने लिट्टी किंग का लिट्टी पैक करवा लिया। लेकिन एक दिक्कत है यार लिट्टी किंग का, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं रखता है। ये सब जगह में भी अगर ऑनलाइन पेमेंट ना रहे तब तो थोड़ा अजीब लगता है, कैश कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके इधर उधर करके दिया मैंने। चलो कोई नहीं, ऐसे निकलते हैं। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं घर आया और सारा दिन वही बाहर ही था मैं। मम्मी क्या की सारा दिन घर पे, चुपचाप लेटे रहे, वीडियो देख रहे थे, सो गए। वैसे मैंने मम्मी को फोन किया था कि मम्मी क्या खाना है, तो मम्मी को लिट्टी खाना था। एक्चुअली मैं लिट्टी वाले दुकान में ही था, और एक्चुअली लिट्टी किंग का जो लिट्टी होता है ना बहुत अच्छा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बहुत मस्त चटनी चोखा वगैरह सब कुछ जो होता है ना उनका, बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी को एक बार खिलाया था मैं, रात के 3 बजे लाया था ना मम्मी, 3 या 4 बजे सुबह लाया था मैं मम्मी के लिए, और उसी टाइम से मम्मी को बहुत पसंद है। उस टाइम मैं गया था, होल नाइट ब्लॉग मैंने किया था कोलकाता में, मतलब नाइट में क्या क्या ऑप्शन है, तो वो ब्लॉग भी देख लेना आप लोग, बहुत मस्त ब्लॉग था। पूरा रात मैं बाहर था, कार से ही घूम रहा था, लेकिन पूरा रात कोलकाता में क्या क्या कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है सब कुछ मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो देख लेना एक बार जाकर। वैसे तो अभी लाइट्स एंड स्विच बोर्ड क्या क्या लेना है ये सब फाइनल हो गया है, बस एक बार क्वांटिटी वगैरह बता देना है कितना लगेगा कितना नहीं। बहुत सारा काम है प्लाईवुड का, बहुत सारा काम होता है, लेमिनेशन और भी एक्रेलिक फेक्रेलिक क्या क्या चीज मुझे अभी पता चल रहा है, नया नया चीज। कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझे। जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उधर तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा अच्छा आइडिया दूंगा। और इतना तो मुझे आइडिया लग गया है, अभी जब भी मैं फ्यूचर में, अगर भगवान चाहे और मम्मी का आशीर्वाद रहा, जब मैं कोई अपना दूसरा घर लूंगा तो उसका जो डिजाइन होता है ना और उसका जो भी काम होता है मैं खुद से करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो आइडिया लग गया है क्या चीज कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्या क्या होता है, और भी बहुत कुछ है। चलो कोई नहीं, ज्यादा बकबक नहीं करते हैं। मम्मी का लिट्टी ठंडा हो रहा है तो मम्मी को वो दे देते हैं पहले। हाँ जी, तो मम्मी खाएगी ये लिट्टी किंग का लिट्टी। एक्चुअली मैंने 2 पीस अपने लिए भी ले लिया है, ये रेड वाला चटनी इनका बहुत अच्छा लगता है। और इनका मैं लिट्टी दिखाता हूँ कि मुंह में पानी आ जाएगा, और ये जब गर्मा गर्म रहता है ना एकदम घी जैसे टपक रहा होता है। लिट्टी को इसमें रख दे रहे मम्मी। ओए भाई देख लो घी कैसे जमा हुआ है। अगर पता है मम्मी हम लोग के पास अगर माइक्रो ओवन रहता ना तो ये रख के अगर गर्म करते पूरा घी, देख लो ये हरी चटनी इसके ऊपर, ये लाल चटनी इधर, ये सारे लिट्टी इधर, ये चोखा इधर, ये मस्त हो गया हमारा लिट्टी प्लेटर। चलो इसकी फोटोज ले लेते हैं थंबनेल के लिए। हाँ जी, तो मस्त लिट्टी वगैरह खाना हो गया, मैंने भी एक पीस खाया, मजा आ गया खाकर। और अभी हम लोग लिट्टी खा रहे थे तो इसी पे बात हो रहा था। वैसे हाँ, मम्मी ने कॉफी भी बना दिया है, तो मम्मी एकदम ऑलवेज रेडी रहती है, कॉफी वगैरह बनाकर मस्त थर्मस में रख देती है, मुझे पता भी नहीं चलता है कॉफी वगैरह मेरे लिए भी बना है। वैसे अभी मम्मी एक नए यूट्यूबर को देखना स्टार्ट की है, किसको मम्मी? खान सर नाम है, देखना। हम लोग अभी देख ही रहे थे खान सर का वीडियो, एक्चुअली मम्मी देख रही थी, मम्मी को मैं देखा था 3-4 दिन से मम्मी देख रही है। मैं भी खान सर का 1-2 वीडियो देखा हूँ, पहले का वीडियो सब। उनका जो बोलने का तरीका है ना मैं बता रहा हूँ बहुत ही कमाल का है। बाकी यहाँ पे मेरा कॉफी भी आ चुका है तो अभी कॉफी पीते हैं, कुछ देर अभी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं। चलो लिट्टी कॉफी वगैरह खाना पीना सब कुछ हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। ऑलमोस्ट हो भी चुका है एडिट, और अभी से ही मैं एडिट पे लग गया हूँ ताकि कल सुबह सुबह वीडियो एकदम टाइम पे आ जाए। 10:45 AM को टाइम पे आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर एक टाइम पे अगर आपको वीडियो देना होता है ना तो हर कुछ एकदम रूटीन पे काम करना होता है। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है सुबह उठ के कर लेंगे, कभी कभी क्या होता है लेट नींद खुलता है, फिर उठते फ्रेश होते उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अभी से जितना हो पाएगा उतना एडिट कर लेते हैं, फिर बाकी सुबह के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी मेरा यही कोशिश रहेगा कि वीडियो को एकदम टाइम पे देना। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और कल हमारा प्लान है एक फूड चैलेंज का, ये आपने बहुत सारे यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियोस देखा होगा। फिर चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।